Good afternoon, everybody. Myself, Babita Jain, coordinator of Shirdi Sai Baba School. जो भी मैंने बोला coordinator, ये जो शब्द मेरे नाम के साथ जुड़ा है, इसका जितना भी मैं श्रेय देना चाहती हूँ, परवरिश टीम को देना चाहती हूँ, क्योंकि हर एक जो उनका सेशन रहा, हर एक सेशन, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा, और शायद आज मैं यहाँ इस पोस्ट पर उसी की वजह से खड़ी हूँ. जो कि मुझसे इसमें इतनी छोटी है, नुपुर इतनी छोटी है, लेकिन इन्हें देखकर मैंने सीखा कि अगर ये बच्चे हम टीचर्स को पढ़ा सकते हैं, टीचर को मोटिवेट कर सकते हैं, टीचर्स को इतना कुछ इंस्पायर कर सकते हैं, तो क्या हम नहीं कर सकते हैं? हम उनसे ज्यादा कर सकते हैं, और उन्होंने हमें बहुत प्रेरणा दी है. तो मैं एंटायर टीम ऑफ परवरिश, सुशांत सर और उनकी पूरी टीम का थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे स्कूल में आकर, खासकर मुझे, क्योंकि मैंने हर सेशन से यू कैन आई कैन लेवल भी हूँ, जो मैंने अपना भी किया है, क्योंकि लेवल अगर हम एक बार मिल जाते हैं तो हम उसके साथ जीना सीख लेते हैं और उसके साथ जीते रहते हैं और अपने लिए अपनी जो आइडेंटिटी होती है उसको खो देते हैं. लेकिन परवरिश टीम ने इसका जो मैंने सेशन लिया लेवल रिमूव का, वो मैंने अपने घर पे भी अपना लेवल रिमूव किया, बच्चों का भी किया. उसके अलावा यू कैन के लिए मैं एक छोटी सी आपको एक स्टोरी बताना चाहती हूँ, जो कि रियल स्टोरी है, कि अगर हम किसी को ये कहते कि आप नहीं कर सकते हैं या आप कर सकते हैं, इन दोनों में बहुत बड़ी पावर है. एक बार एक दो बच्चे खेल रहे थे, ऐसे गांव के बच्चे थे, खेलते खेलते वो थोड़ा दूर चले गए. वहाँ एक बहुत गहरा खड्डा था, उसमें एक 6 साल का बच्चा था और एक 8 साल का बच्चा था, दोनों बच्चे खेल रहे थे. उनमें से 6 साल का बच्चा उस कुएं के अंदर गिर गया, गड्ढे के अंदर गिर गया. उसके बाद उस 8 साल के बच्चे ने उस बच्चे की जान बचाई. जब वो वापस आए गाँव में तो उन्होंने बोला कि बच्चे ने बताया स्टोरी सबको कि मैंने इसकी जान बचाई, तो किसी ने बिलीव नहीं किया. ऐसा हो ही नहीं सकता कि 8 साल के बच्चे ने 6 साल के बच्चे को इतने गहरे गड्ढे से निकाला. लेकिन एक जो बुजुर्ग था, जो सबसे बुजुर्ग थे गांव के, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा हो सकता है. उनको उस पर विश्वास था, तो सबने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है. तो उन्होंने बोला कि वहाँ इस बच्चे को ये बताने वाला नहीं था कि आप नहीं कर सकते हैं. अगर हम किसी को ये बोल दें कि आप कर सकते हो, क्योंकि हर बच्चा नो लिमिट पैदा होता है, उसके अंदर हर पावर होती है, लेकिन जो फाउंडेशंस होती हैं, जो सोसाइटी की बातें होती हैं, या जो उसका अपना अंदर से जो उसकी विल पावर होती है, अगर हम उसको नहीं जगा पाते हैं तो कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है. तो यदि हम अपने बच्चों को यू कैन के माध्यम से अगर कुछ अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि एक एक सेशन मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया है और मैं उसी की वजह से आज यहाँ खड़ी हूँ अपनी कोऑर्डिनेटर की पोस्ट पे. सो वंस अगेन थैंक यू सो मच एंटायर टीम ऑफ परवरिश.